अंबाला में 25 साल बाद सीनियर हरियाणा स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये चैंपियनशिप 11 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगी। चैंपियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी में सूरजपाल अम्मू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंबाला में हो रही इस चैंपियनशिप में 22 जिलों की 24 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहीं इस मौके पर हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अम्मू ने गांव-गांव तक फुटबॉल पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने की बात कही। सूरजपाल अम्मू ने इस मौके पर हरियाणा की बेटी के इंडिया टीम में सिलेक्ट होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में फुटबॉल खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी रखने की बात भी कही। आज हरियाणा सीनियर स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है। पूरा हरियाणा, सारे जिले इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से अंबाला के अंदर अरबों रुपए की लागत से यहाँ पर फीफा के लेवल का जो यहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अंबाला का नाम पूरे विश्व के अंदर फुटबॉल के लिए जाना जाता था, पुनः हरियाणा सरकार के द्वारा, माननीय गृहमंत्री के प्रयासों के द्वारा, अनिल विज जी के द्वारा जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसके बाद फुटबॉल का स्तर हरियाणा का और बढ़ेगा। मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन से पिछले 4 सालों से जुड़ा हूँ और लगातार हरियाणा के अंदर हम लोग फुटबॉल गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक कैसे जाए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज एक आपको और शुभकामना देता हूँ कि हमारी हरियाणा की एक बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज एक सिलेक्ट हुई है, तो ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है आज कि हमारी हरियाणा की बेटी एक सिलेक्ट हो गई है। और भी हमारे बच्चे, करीब 10 बेटियाँ हमारी हरियाणा की ऐसे ही वर्ल्ड जो चैंपियनशिप होनी है उसके लिए तैयारी के लिए जुटी हुई हैं। अनेकों अनेक हमारे बच्चे यहाँ पर खेले हैं। हम लोगों ने पिछले साल भी लगातार हमने 4-4 ट्रॉफियाँ, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे वुमेन्स की हो, हम लोगों ने नेशनल लेवल पे जीती हैं। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ललित चौधरी ने भी हरियाणा की बेटी रितु रानी के इंडिया की टीम में सिलेक्ट होने की खुशी जाहिर की और इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई भी दी। जो इंडिया की सीनियर वुमेन फुटबॉल टीम सिलेक्शन हुआ है, उसमें हमारे हरियाणा की बेटी रितु रानी, उसका सिलेक्शन हुआ है। ये टीम जो अगले साल एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें ये टीम जाएगी खेलने। आपको बता दें कि इस समय हरियाणा सरकार खिलाड़ियों पर विशेष का ध्यान दे रही है और खिलाड़ियों को किसी तरह की आर्थिक तंगी ना आए, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।